मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक सर्विस पार्ट ऑफ द कार। मैं अपनी कार के आपको वो ज़रूरी और मुख्य पार्ट्स को दर्शाऊंगा जो एक कार की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार का मेन टर्बो। ये सभी कार्स में नहीं पाया जाता, पर जो ये मेरी शेवरोले कंपनी की कार है इसमें टर्बो लगा हुआ है। इसे कहते हैं एयर फिल्टर कंपार्टमेंट। ये बाहरी हवा को खींच के प्रेशराइज करके इंजन को देता है। ये टर्बो के साथ जुड़ा हुआ है, टर्बो आगे इंजन को हवा देता है। ये है शॉकर कंपार्टमेंट, ये कार के दोनों साइड लगा हुआ है। ये है ब्रेक फ्लूड, इसमें कंपनी का स्पेसिफाइड ब्रेक फ्लूड स्टेयरिंग सॉरी स्टेयरिंग फ्लूड डालें। ये है ब्रेक ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल को रेगुलरली चेक करें। ये सभी छोटी छोटी चीज़ें आपके कार की लाइफ को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं और इससे आपकी कार बिल्कुल नई जैसी रहेगी। ये दो फैन लगे हुए हैं, इससे रेडिएटर को ठंडा रहने में मदद मिलती है। जरूरी नहीं सभी कारों में दो पाए जाएंगे, आपकी कार में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। ये है एक बैटरी कंपार्टमेंट, बैटरी के साथ सारा फ्यूज़ बोर्ड और सर्किट बोर्ड का ये जॉइंट एक वर्किंग है। इसके बाद आता है इंजन कूलेंट। इंजन कूलेंट भी एक कंपनी का स्पेसिफाइड कूलेंट है, इसको आपने प्रॉपर लेवल पे मेंटेन रखना है। ये है मेन इंजन का हेड, इससे मगलैल डाला जाता है। और ये है डिपस्टिक, डिपस्टिक से इंजन में माइलेज ऑयल की क्वांटिटी को चेक करते हैं। ये एयर फिल्टर से डायरेक्टली ज्वाइन होता है और हमें एक चीज़ और बता दूं, कभी भी टर्बो को इंजन ऑफ करने के बाद टच नहीं करना है आपको, बिल्कुल आपको हमेशा गर्म मिलेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये आपको पंप दिखा रहा हूँ मैं, ये है फ्यूल पंप। ये कार का सबसे महत्व पार्ट है। ये इसको कंपार्टमेंट को खोलने के बाद आपको वो कंपार्टमेंट एक्सेसिबल होगा। सर्विस के दौरान उसको फ्यूल फिल्टर चेंज किया जाता है। ये था सारा बेसिक पार्ट्स ऑफ